माय डियर स्टूडेंट, सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित है जिसकी प्रश्नावली है 1.3। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दी गई हैं इन्हें हमें दशमलव में चेंज करना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, पहले हम इनको दशमलव में चेंज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, दशमलव प्रसार एक बार हम समझ लेते हैं। इधर समझ लेते हैं हम दशमलव प्रसार। ये चाहें तो आप सिर्फ याद करने के लिए लिख लीजिएगा, बाकी नोटबुक में अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बाकी पेपर में ना लिखें तो भी ठीक रहेगा। तो मैं समझाने के लिए इधर आपको समझा देती हूँ। पहले दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार जो बच्चों होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, पहला तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार में बच्चों जो शेषफल है वह जीरो बचता है। ठीक है, क्या बचता है? शेषफल। जब भी भाग देंगे हम तो जो शेषफल है ना उसमें वह जीरो आएगा, या जीरो समझ लीजिए, कुछ नहीं बचेगा, मतलब भाग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो शेषफल है वह जीरो नहीं बचेगा। किसमें? इसमें अशांत में शेषफल जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल में संख्या बचेगी, जैसे 1, 2, 4, 5, जो भी बच्चा। अब जो बच्चों अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अनवसानी आवर्ती, ठीक है, आवर्ती भी बोलते हैं बच्चों इसको, और पुनरावर्ती भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। और ये अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो बच्चों इस जो ये सवाल हम करेंगे इसमें एक तो शांत और एक ये अनवसानी आवर्ती, ये दोनों ही आएंगे तो हम इनको ही समझेंगे। ठीक है, देखो शांत तो आप समझ गए कि जिसमें शेषफल ना बचे, या वह मतलब शेषफल जीरो आए वह शांत होगा, और बाय चांस जैसे शेषफल जीरो नहीं आता है तो फिर अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी आवर्ती कैसे होगा, तो हम जैसे जैसे सवाल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इधर से सवाल शुरू कर देते हैं। तो 36/100, पहले तो हमें इसको किस में बदलना है बच्चों, भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम हर का अंश में भाग देंगे, तो इधर लिख देते हैं बच्चों हम 36 और इधर लिख देते हैं 100। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 100 के पहाड़े में 36 तो आते नहीं, मतलब जो 100 है ना वह 36 से छोटे हैं। तो अब क्या करें कि हम ये सवाल सोल्व हो जाए, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितने होगा? 360। अब 360 में 100 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 3 बार, है ना? कितने आ गए? 300। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 दिया 300। ठीक है, तो अब इनको घटा देते हैं, तो 0 की 0, 6 की 6, और 3 में 3 गए, कुछ नहीं। अब इधर कितने आ गए बच्चों? 60। अब 60 भी छोटे हैं। अब दशमलव हमने पहले लगा रखी, तो दशमलव के बाद हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इधर बढ़ा देंगे, तो कितनी बार चला गया? 6 बार, 100 छिंग 600। तो हमारा उत्तर कितना आया बच्चों, इधर लिख देते हैं हम 36/100 बराबर, इनका हमने इसको दशमलव बदला है तो 0.36। अब बच्चों पॉइंट जो है ना वो डायरेक्ट अकेला नहीं छोड़ते, तो इसके आगे हम जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा शेषफल या तो जीरो आया या कुछ नहीं आया, तो ये कौन सा हो गया बच्चों? आप कट क्रॉस भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं इसको। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? जब भी शेषफल जीरो आए तो क्या होगा? शांत। तो हम यहाँ लिख देंगे शांत, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये कौन सा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 1/11। तो अब हम एक एक का भाग 11 से देंगे, तो देखो 11 में एक का भाग नहीं जाएगा। क्यों? सॉरी, 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 11 से छोटा है। तो वही करेंगे हम, इधर दशमलव लगाएंगे
तो इधर एक जीरो बढ़ गई। अब दशमलव के बाद बच्चों केवल एक ही जीरो बढ़ेगी, ठीक है। अब 10 है तो भी इसका भाग 11 से नहीं जाएगा, तो अब हम इधर एक और जीरो बढ़ाएंगे और इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कितने हो गए बच्चों 100, ठीक है। अब 100 में ये भाग चला जाएगा तो कितने का 11, 11 11 नाम 99 होते हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे 100 में से 99 गए, तो एक बचा। अब वापस वही हो जाएगा, दशमलव लगी है तो एक जीरो बढ़ जाएगी। अब 10 हैं तो फिर वापस इधर हमें जीरो बढ़ानी पड़ेगी और इधर जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर वापस 9 बार जाएगा, 11 नाम 99, फिर एक शेषफल बच रहा है। तो जब शेषफल बच रहा है तो बच्चों हमने क्या बताया था, जब शेषफल बचेगा तो वह कौन सा होगा, अशांत होगा, ठीक है। और आवर्ती और अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती यानी कि बार बार जो आ रहा है, देखो 09 09 09, इसका उत्तर यही आएगा, तो ये कौन सा आएगा, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती यानी जो बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो बच्चों। अब देखो 0.0909, अब इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे तो आगे जीरो इधर बढ़ा देते हैं, तो ये कौन सा है, अशांत है, तो इधर लिख देंगे अशांत और आवर्ती, आवर्ती यानी बार बार आ रहा है, ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति भी कर सकते हो या आवृत्ति भी कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अनवसानी, ऐसा भी लिख सकते हो, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अब तीसरा दिया है 4 सही 1/8, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 8 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो करो 1 8 2 3 4 8 32, और फिर ये जो ऊपर वाला रहता है इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 32 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 33 33/8। अब हम 33 में 8 का भाग देंगे तो ये तो सरल हो जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि जो 33 है वह 8 से बड़ा है, तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। तो चलिए देते हैं, तो 8 का 33 से कम लेना है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा 32, ठीक है। अब 33 में से 32 गए तो एक बचेगा, अब 8 में एक का भाग नहीं जाएगा, तो इधर हम लगा देते हैं दशमलव, दशमलव लगाने के बाद इधर जीरो बढ़ जाएगी, तो 8 में 10 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, सॉरी हाँ एक बार जाएगा, 8 का 8, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे। अब दशमलव के बाद 0 वापस बढ़ जाएगी, है ना, तो 8 का 1 8 2 8 16 3 8 24, तो 2 बार चला जाएगा 16, ठीक। अब 20 में से 16 घटाओ तो कितने आएंगे बच्चों, 4, फिर दशमलव लगी है तो इधर 0 बढ़ जाएगी, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 40, ठीक है। तो इसमें भी शेषफल नहीं बच रहा है यानी कि शेषफल 0 आ रहा है, तो इधर हम इसका आंसर लिख लेते हैं, पहले 4 सही 1/8 बराबर हो जाएगा 4.125, तो ये कौन सा है, शांत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें शेषफल नहीं बच रहा है, या शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब चलिए बच्चों हम करते हैं चौथा सवाल। अब इसमें 13 का भाग हम 3 में देंगे, तो चलिए देते हैं, 3 लिखते हैं, इधर लिखते हैं 13। अब 3 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो इधर दशमलव लगा देते हैं तो 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 13 कम 13 13 दूनी 26, 2 बार गया, इसको ऐसा कर लेते हैं, तो 30 में 26 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 4। अब दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो 13 कम 13 13 दूनी 26 13 3 39, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, तो 40 में से 39 गए तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 13 में 10 का भाग भी नहीं जाएगा, तो अब हम इधर 0 लगाएंगे इधर, ठीक है, भाग ना जाने की 0 लगी तो फिर इधर भी 0 बढ़ जाएगी, तो कितने हो गए बच्चों, 100। तो 13 7 91, ठीक है, तो 100 में से 91 गए तो कितने बचे बच्चों, 9 बचे। अब 9 में 13 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दो, 13 7 91, अब
तेरा छिंग नब्बे, नब्बे से नहीं, तेरा छिंग 78। नब्बे में से 78 घटाएंगे तो कितने होगा बच्चों? देखो इधर, इधर मान लो 8 बचेंगे, इधर 10, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1 बचा, 12 बच रहे हैं। दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं तो 120। अब कितनी बार जाएगा बच्चों ये? 13 नब्बे बार, 9 बार जाएगा, 13 नब्बे 117, 120 में से 117 घटा देते हैं तो कितने आएंगे बच्चों? 3। ठीक है, अब फिर दशमलव के बाद जीरो बढ़ा देंगे, 30। अब वापस देखो बच्चों, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था वहीं से वापस शुरू हो गया है ना, 30। फिर ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर दूनी 26, फिर वही वापस 4 आ गया इधर। इस तरह से ये सवाल बढ़ता रहेगा, मतलब अब इसके बाद में, 2 के बाद में वापस यही वाली संख्या आती रहेगी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/13 बराबर 2 3 0 7 6 9 2, फिर वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव इधर अकेला नहीं लिखते हैं तो इधर हम जीरो लिख देते हैं। तो ये कैसा है बच्चों? अशांत है ना, अशांत और आवृत्ति, यानी कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है, पांचवा सवाल है बच्चों, 2/11। चलिए अब हम दो, दो में भाग 11 से देंगे तो 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 11 से 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देते हैं, इधर जीरो बढ़ गई। ठीक है, अब चला जाएगा 11 2 22, ज़्यादा होते हैं तो एक बार जाएगा 11 1 11। 20 में से 11 गए तो कितने बचे? 9 बचे। दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं तो 11 8 88 11 9 99, ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 बार जाएगा। 90 में से 88 गए, 90 में से 88 तो 2 बचेंगे। ठीक है, फिर दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं तो फिर ये एक बार जाएगा 11 1 11। 20 में से 11 बचे तो 9, वापस वही हो गया, वापस आवृत्ति हो रही है। ठीक है, और शेषफल बच रहा है 9, तो ये कौन सा हो जाएगा? इधर हम लिख लेते हैं दशमलव 1 8 1, वापस वही हो जाएगा 8, आगे हम करेंगे तो इधर हम लिख देंगे अशांत और आवृत्ति, यानी कि यही बार बार आ रहा है। आवृत्ति या पुनरावृत्ति, जो भी आप लिखा हो दोनों सही है। ठीक है, आवर्ती आना, यही उत्तर बार बार आना, मतलब यही संख्या बार बार आना। ठीक है, अब बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, 329 का भाग हमें 400 में लेना है तो चलिए देते हैं। 329 का भाग हमें 400 में लेना है तो देखो, अब जो 329 है 229 है वह 400 से छोटा है। अब ये इसमें भाग नहीं जाएगा तो इधर हम दशमलव लगा देंगे तो जीरो बढ़ गई। ठीक है, तो देखो इसे आप 4 का पहाड़ा ही बोल सकते हो, 4 1 4 4 2 8, 4 3 12 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार चला जाएगा। देखो 4 8 32, पहले तो हम ये लिख देंगे 4 8 32, फिर 2 जीरो है इधर बढ़ा दो। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं तो कितना आ गया? 4 8 3200, ये इसका उत्तर रहेगा। तो चलिए अब हम इसको घटाते हैं, 0 की 0, 9 9 के 9, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, और 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं। अब क्या बचा? 90। अब 90 भी छोटा है तो दशमलव के बाद 1 जीरो बढ़ा सकते हैं तो इधर कितना हो गया? 900। अब कितनी बार जाएगा 4 का? देखो 4 1 4, 4 2 8, 2 बार चला जाएगा, 4 2 8, 8 लिखा और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा। ठीक है, तो 0 की 0, 0 की 0, 9 में से 8 गए तो 1 बचे। अब 400 बचे तो 100 में भी 400 का 400 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं तो इधर बढ़ा दो कितने होगा? 1000। तो वापस करते हैं, 400 दूनी 800। ठीक है, 4 2 8 होते हैं तो इस तरह से 800 आ जाएगा, 400 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है,
आप चाहें तो 400 का पहाड़ा बना सकते हैं। कैसे बनाना बनाएंगे। है, 4 का पहाड़ा लिख के और पीछे सब में दो दो जीरो लगा देना, ठीक है? तो 400 का पहाड़ा बन जाएगा। तो 1000 में से 800 गए तो 200 बचे, ठीक है? अब 200 में 400 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव के बाद इधर जीरो बढ़ा देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 पंजे 20 होते हैं, सॉरी 4 पंजे 20 होते हैं, तो इधर आ जाएगा 20 और 2 जीरो इधर बढ़ा दी, हो गए 400। 4 पंजे कितने हो गए? सॉरी 400 पंजे हो गए 2000। तो शेषफल 0 बच रहा है या कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? शांत। तो इसका उत्तर लिख लेते हैं हम, 0.8225, ठीक है? 0 ये लिख दो, शांत दशमलव पसार। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।